सबसे पहले मेरे पास डबिंग के लिए दो कमेंट्स हैं। एक बार थैनोस को भी डब करके बताओ, भोजपुरी में कर दो भाई डब। तो एक काम करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और थैनोस को भोजपुरी में डब करते हैं। मजा आएगा। देखो हमार बात ध्यान से सुना, थैनोसवा आवत बा और आई के हमका सबका लहंगा पहनाएगा, तो सब लोग चुपचाप पहन लेना, हम लाल वाला पहनब। इन सबको लग रहा है हम इनका लहंगा पहनाऊ। सही लग रहा है। पहले मैं इन लोग को लहंगा पहनाऊंगा और फिर लहंगा उठाए दे रिमोट से। ब्रह्मांड पे कब्जा करने में उतना मजा नहीं जितना इन लोगों को लहंगा पहनाने में है। यार मेरा लहंगा तुमने लिया है क्या? मैं अपना घर से लेके आया था। ओह लगता है मेरा लहंगा किसी ने ले लिया है, मुझे फिर से लाना पड़ेगा। जाओ लेके आओ। ये अब की बार पिंक कलर का लेके आऊंगा। सो और क्या चल रहा है भाई लोग? खैर चल रहा तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। सो गाइज आर यू रेडी फॉर मैड मंडे? मैड मंडे, हे मैड मंडे, मैड मंडे। तो चलिए देखते हैं कि अगला सवाल क्या है, अच्छा है कि गंदा। भाई अगर तुम टिकटॉक स्टार होते तो कैसे होते? मैं अगर टिकटॉकर होता तो क्या करता मैं? हाँ, एक लोटा पानी लेता और अपने मुंह पे डालता और फिर तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा। भाई गुप्त रोग के डॉक्टर पुरानी बस स्टॉप के पीछे ही क्यों मिलते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं? बहुत ही गंभीर सवाल है भाई साहब आपका है। हमने अपने कंप्यूटर से पूछा तो वो खुद अपना इलाज कराने चले गए भाई साहब। कह रहे थे कि हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी में कुछ एक्सेस नहीं हो रहा है। हमने कहा जाइए भाई, आपको कौन रोक सकता है। ओके, तो अब मैं जो आपको बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल अनुभव से बताऊंगा। तो यार देखो, पुराने बस स्टैंड के पीछे गुप्त रोग का दवाखाना इसलिए होता है क्योंकि पुराने बस स्टैंड के पीछे मूत्रालय भी होता है ना, तो वहां पे लोग मुक्ति करने आते हैं और करते करते नीचे देखते हैं ऐसे, फिर बोलते हैं ओ गुप्त रोग, और फिर सामने वही पोस्टर लगा रहता है, गुप्त रोगी मिले पुराने बस स्टैंड के पीछे, तो उधर से गुप्त रोगी के पास चले जाते हैं। वीडियो से ज्यादा आपकी बातों में ज्यादा मजा आता है अंकल। अंकल चिकन विंग, चिकन विंग, चिकन विंग। थैंक यू बेटा। भाई कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 20 बार रिपीट करके दिखाओ। बस इतना सा चैलेंज, ये लो अभी बोल देता हूँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पकड़ पड़ो, कच्चा पापड़। देखो देखो लाइट भी गिर गई। अब नहीं बोलूंगा मैं, जाओ। इतने ट्विस्ट है भाई, तुमने कभी टॉपर में बिमल डार्लिंग? क्या क्या लिख दिया भाई साहब आपने, ये रात में एलियन से बतियाते हो क्या? जादू आके पढ़ो यार इसको क्या लिखा है। अच्छा रहन दो यार, तुमको ओ ओ ओ ओ कहलाओ कुछ आता है? और आप ऐसा लिखा करो यार, समझ में आए थोड़ा। भाई बेन 10 के जैसे एलियन में बदल जाओ। बेन 10 ये क्या होता है? अच्छा बेन 10। भाई ये सब मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा यार सच्ची में, सो मेरे को नहीं आता बनना। अगर आप इंसान होते तो क्या करते? मैं इंसान होता तो इंसान ही तो हूं मैं, तुम्हें भेड़िया देखता हूँ क्या या फिर लकड़ बग्घा? पागल कहीं के। भाई तुम एक बार अरिजीत सिंह का गाना गाना मेरे लिए भाई। भाई देखो अगर मैंने अरिजीत सिंह का गाना गाया और तुम्हें बुखार आ गया तो मुझसे मत कहना क्योंकि बहुत बेसुरा हूं मैं, लेकिन फिर भी गाऊंगा, आज भी गाऊंगा, तो सुनो। हमसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली में मर जाने लगे हो, ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, बिंदिया चमके चूड़ी खनके लौंग मारे लचकारे, हम हो गए तुम्हारे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आपका फेवरेट सॉन्ग और कलर कौन सा है इशिका? मेरा फेवरेट सॉन्ग है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हग के गुजर जाना है, और मेरा फेवरेट कलर है पीला। मेरे को भगवान ने पूछा तेरे को क्या चाहिए,
मुस्कुरा कर कहा, जो यह मेरा कमेंट पढ़ रहा है बस उसके माँ बाप की उम्र लंबी कर दे और मुझे 1K सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइबर पहले मांगे होंगे, ठीक से याद करो, इतने अच्छे तो नहीं हो सकते तुम। किसी कीमत पे भी नहीं। क्यों करते हो ऐसा कमेंट, मत किया करो, कुछ नहीं मिलता। तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि भाई एडिटर कौन सा यूज करते हो, कम से कम उनको ज्ञान तो मिलता है। मैं तो बताता नहीं हूँ फिर ज्ञान भी नहीं मिल पाता। लिखो जो मन करे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, नहीं पसंद आता डिसलाइक करो, ऐसे तो नहीं जान दूंगा। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मन करे तो फॉलो करना। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अम्मा को भूल गए क्या? अम्मा, ए अम्मा, देख लो इन लोग को, सारे मिल गए हमको पागल बना रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा।